निफ्टी हो सकता है 50,000 चली जाए, वो लैगार्ड है। उस पर हमने काफी डिटेल वीडियो ट्विटर की ऑडियंस के लिए भी पोस्ट किया, हमारी रिसर्च पीस का और अपने सब्सक्राइबर्स को। और बैंक निफ्टी में जो ट्रेडिशनल ओल्ड स्टॉक्स थे, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और कोटक, ये मुझे तीनों 10% बढ़ते लग रहे हैं, भले ही निफ्टी 22,400 की भरी है। कोटक आपने बोला 10% बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको यहां से। 10% इंडिविजुअल स्टॉक्स, कोटक एचडीएफसी 7-8%, कोटक 10%, 12%, आईसीआईसीआई बैंक 8-9%, ये तीन बढ़ेंगे। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक में करेक्शन हो गया, बंधन बैंक 210 चला गया, आरबीएल 20 रुपया टूट गया, तब भी बैंक निफ्टी 50,000 हो गई। निफ्टी 22,400 के ऊपर जाए बिना बैंक निफ्टी 50,000 जा सकती है। और जिन स्टॉक्स को सबसे ज्यादा हम डिस्ट्रीब्यूटेड समझते हैं, अभी इस वक्त फिलहाल वही सबसे ज्यादा बढ़ते लग रहे हैं। तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा छद्म रचेगा और भागदौड़ करनी पड़ेगी ट्रेडर्स को, ट्रेडिंग की आइडियाज के बीच में। कुर्सी पे आराम से बैठ के पैसे कमाने का समय जो था वो पिछले 6 महीने में चला गया, अब मेहनत मशक्कत का पैसा बचा है बाजार। चलिए, मेहनत मशक्कत करके पैसा बनाने में मज़ा भी आता है। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।